प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ की ईवीएस के एट्थ चैप्टर जीव जंतुओं की निराली दुनिया के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमें पार्ट को पढ़ना है, तो आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने इस पार्ट को पढ़ रखा है। अगर आप इस पार्ट को पढ़ लोगे तो जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप चैप्टर को रीड जरूर कर लीजिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बच्चों अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बुक के अंदर है, तो आंसर हम आपको बता देंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सोचिए और बताइए, पेज संख्या है बच्चों 40। तो 40 पेज नंबर पर आ जाइए आप। वहां पर हमारा पहला प्रश्न है कि आप किन किन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हो, मतलब स्मेल से पहचान सकते हो। तो हम हींग को, कपूर को, फूलों को, फलों को, भोजन को सूंघ कर पहचान सकते हैं। तो बच्चों हींग आप अपनी मम्मी को बोलिएगा कि वो आपको हींग दिखाएंगे, ठीक है। घर में सभी की होती है हींग, तो इसकी जो स्मेल होती है बहुत तेज होती है। प्रश्न संख्या है बच्चों दूसरा, सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है, सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि कुत्तों के सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। प्रशिक्षित बच्चे वो होते हैं जिनको हम शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कुत्तों को भी सिखाया जाता है। प्रश्न तीसरा है कि चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं। तो इसका आंसर है, चमगादड़ की तरह उल्लू, बिल्ली, लोमड़ी और कुत्ते रात में देख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे जो 40 नंबर पेज पर क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया है। अब हम चलेंगे अगले पेज पर, 41 पेज नंबर पर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप किन किन वस्तुओं को छू कर पहचान पाए। तो इसका आंसर है, हम फूल, साबुन, किताब, चीनी, नमक, दाल, पेन और पेंसिल को आदि को छू कर पहचान पाए। अगला प्रश्न है, आप किन किन वस्तुओं को चख कर पहचान पाए। तो इसका उत्तर है, हम फल, सब्जी, नमक, चीनी को चख कर पहचान पाए। अगला प्रश्न है बच्चों, आप किन किन वस्तुओं को सूंघ कर पहचान पाए। इसका आंसर है कि हम फूल व फलों को सूंघ कर पहचान पाए। तो बच्चों यहां पर मात्रा नहीं लगी हुई थी, हमने मात्रा लगा दी है, बड़े उ की मात्रा। खराब खाने की पहचान कैसे करते हैं। तो खराब खाने की पहचान सूंघ कर व चख कर करते हैं। अगला प्रश्न है, पेज नंबर 42 पर है बच्चों, आपने शोर होते कहां कहां सुना है। हमने शोर बारातों में, यातायातों में, फैक्ट्री में, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर तथा समारोह में सुना है। प्रश्न इसमें है दूसरा बच्चों, शोर से हमें क्या क्या परेशानी होती है। तो इसका उत्तर है, शोर से हमें बातचीत में बाधा आती है, इससे हमारे कान खराब हो जाते हैं तथा मस्तिष्क में यानी सर में दर्द होता है। अगला प्रश्न है, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर है बच्चों, शोर करने से ध्वनि प्रदूषण होता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसी पेज पर बच्चों प्रश्न और भी दिए हुए हैं 42 पर, आप किन किन लोगों के कदमों की आवाज पहचान सकते हो। तो इसका उत्तर बच्चों मैंने अपने हिसाब से बता दिया है, तो आप भी जज कर सकते हो कि आप किन के कदमों की पहचान कर सकते हो अपने घर में, ठीक है। मैं अपनी माताजी पिताजी के कदमों की आवाज पहचान सकता हूं या सकती हूं। अगर आप लड़की हो तो सकती है लिखोगे, अगर आप लड़के हो तो आप सकता है लिख सकते हैं। प्रश्न है बच्चों हमारा,
विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हो, किसी किसी मौसम में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। कॉपी में आपको एक सारणी बनानी है, तालिका बनानी है कि छिपकली, सांप और मेंढक किस मौसम में ज्यादा दिखते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा ना कि गर्मियों में आपके घर में छिपकलियां घूमती हैं, लेकिन सर्दियों में अचानक गायब हो जाती है, तो ये कहाँ जाती हैं और ये हमें किस मौसम में दिखती है, तो हमें एक तालिका बनानी है, सारणी बनानी है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले जंतु का नाम, फिर वो किस मौसम में दिखाई देते हैं। तो पहला है बच्चों की छिपकली। अब छिपकली कब दिखाई देती है? बारिश एवं गर्मी के मौसम में। और सांप गर्मी और बारिश के मौसम में। और मेंढक बच्चों बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और है बच्चों कि मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखते हैं? तो इसका आंसर है कि बारिश का मौसम मेंढक के प्रजनन का समय होता है, इसलिए बारिश के मौसम में वे अधिक दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मच्छर अधिक सर्दी में कम क्यों दिखते हैं? तो इसका उत्तर है, मच्छर अधिक सर्दी में जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसलिए कम दिखते हैं। अब हम चलेंगे बच्चों पेज नंबर 43 पर, 43 नंबर पेज पर, कि इस प्रश्न है, चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती है? आप देखते होंगे अपने घर में चींटियों को, कभी बहुत सारी चींटियां होती है लेकिन वो लाइन लगा के चलती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचानती हैं, इसलिए चींटियां एक लाइन में ही चलती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा कि आपके आसपास किन किन जगहों पर चींटियों के घर अधिक संख्या में हैं? तो इसका उत्तर है, हमारे आसपास घर के कोनों में, पार्क में, पेड़ों के पास चींटियों के घर अधिक संख्या में होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं? अगर मीठी चीज को बच्चों खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें चींटियां ही चींटियां हो जाएगी। तो इसके लिए हम चींटियां ना हो चीजों को बचाने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? तो भोजन को चींटियों से बचाने के लिए उसे फ्रिज में या बंद डिब्बों में रखते हैं तथा नमक या नमक के पानी का छिड़काव उपयोग में करते हैं। ठीक है, मीठी चीज पर चींटियां ज्यादा आती है, नमकीन पर नहीं आती बच्चों, या बहुत कभी कभी आ जाती है, बहुत कम आती है। अगला प्रश्न है बच्चों कि घी चीनी मिला आटा लेकर चींटियों, अब बच्चों चींटियों के घर को क्या कहते हैं? कीड़ी नगर कहते हैं। ठीक है, तो चींटियों को खिलाया जाता है। इसी तरह और किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए आपने देखा है? कई लोग क्या करते हैं, चींटियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं उनको भी खाना खिलाने की व्यवस्था की जाती है। तो आपको पता है, आपने देखा है, गायें, कुत्ते, मछली और कबूतर आदि जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए हमने देखा है। लोग कबूतरों को दाना डालते हैं बच्चों, मछलियों को भी डालते हैं, कुत्ते को भी खाना खिलाते हैं, गाय को तो खिलाते ही है। हमारे घर में तो बच्चों जब हम खाना बनाते हैं पहली रोटी हम गाय के लिए बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कॉपी में तालिका बनाकर निम्नलिखित जंतुओं की विशेषताएं लिखनी है। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप अपने बुक में देखिएगा, तालिका बनी हुई है तो आप अपनी बुक से देखकर पहले इसको फिल कर लीजिएगा, फिर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें जंतु का नाम बताना है कि वो भोजन किस तरह से प्राप्त करती है, चलकर, उड़कर या तैरकर। तो चिड़िया क्या करती है बच्चों, भोजन प्राप्त करने का इसका तरीका है चुगकर। तो चिड़िया क्या करती है, चुगती है दाना, और कैसे और क्या करती है बच्चों, वो उड़ती भी है। ठीक है, अब है मछली, मछली अपना जो भोजन है वो निगलती है, निगल जाती है और वो तैरती है। अब मोर, मोर भी बच्चों चुगता है खाने को, चुगकर, और ये भी उड़ता है। छिपकली झपटकर और निगल कर, पहले झपट्टा मारती है फिर उसे निगल जाती है अपने भोजन को, और ये क्या करती है, ये भी चलती है बच्चों। ठीक है, अगला है तितली, तितली फूल का रस चूसती है और ये उड़ती है। मच्छर, मच्छर का क्या काम है बच्चों, डंक मारना। ठीक है, और सूंड से चूसना, पहले डंक मारता है फिर जो आदमी का खून होता है वो चूस लेता है, और ये भी क्या करता है, उड़ता है। कुत्ता, कुत्ता मुंह से चबाकर अपना खाना खाता है और ये चलता है। नीचे बच्चों कुछ
चित्र दिए हुए, इन्हें पहचानना है और फिर इनकी एक एक विशेषता अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। तो पहला चित्र किसका है बच्चों, खरगोश का, और दूसरा है हाथी का, तीसरा किसका है चिड़िया का, और चौथा है मछली का। तो हमें इन चारों की विशेषता बतानी है, ठीक है। तो ये बच्चों तोता है, सॉरी, ठीक है। तो पहला है बच्चों खरगोश। तो खरगोश क्या करता है, तेज दौड़ता है। इसकी क्या विशेषता है कि खरगोश है बहुत तेज दौड़ता है। सेकंड है बच्चों हाथी। हाथी सबसे बड़ा जंतु है, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, हाथी। और तोता, तोते की क्या विशेषता है, वो उड़ता है। और मछली पानी में तैरती है। ये तो इनकी विशेषताएं है, ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अगला प्रश्न है बच्चों, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए कैसे उड़ता है। तो अंधेरा होता है ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन है कि अंधेरे में चमगादड़ कैसे उड़ पाता है। इसका उत्तर है, चमगादड़ रात्रि में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ता है। तो बच्चों ये जो हमारे बुक के अंदर के क्वेश्चन थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, हमने चैप्टर को रीड भी कर लिया है और इसके आज क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो हमने इसके जो पीछे के पार्ट बना रखे हैं बच्चों, आप वो भी रीड करिएगा जरूर, क्वेश्चन आंसर भी करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को लाएंगे, तब तक आप इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। तो बच्चों हमने हर सब्जेक्ट पर आपके हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश और मैथ सभी पर वीडियो बना रखी है सभी चैप्टर की, तो आप सभी को यहीं पर पाएंगे। और अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।